गुड इवनिंग ऑल। अब देख सकते हो यहाँ पे हम लिख चुके हैं एसर्टिव एंड इंटरोगेटिव। सो आज का जो टॉपिक है एसर्टिव सेंटेंस है कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस दैट मींस डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देन डिक्लेरेटिव सेंटेंस से कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस किया जाता है वही बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। देन एसर्टिव सेंटेंस, डू यू नो व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस? क्या आप जानते हो एसर्टिव सेंटेंस क्या है? डू यू नो द डेफिनेशन? दैट इज It is a sentence that states a fact. It is a sentence that states a fact. But यहां पे मेरा एक लॉजिक है, यह तो आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर यू कैन सी, बट मेरा लॉजिक क्या है याद रखने के लिए, समझने के लिए मेरा लॉजिक क्या है ना, assertive sentence शुरू होता है सब्जेक्ट से और खत्म होता है फुल स्टॉप से। Now you can ask me how, कैसे ये हम बोल सकते हैं? Subject that means Ram eats rice. Ram eats rice. Then Ram here is subject. Ram ये जो नाम है, it is now you know. Ram is the subject and यहाँ आप देख पा रहे हो full stop. Then it is a declarative sentence. It is an assertive sentence. All right. Now the next one that is you can see. Interrogative sentence that means to ask questions. Last where the last we can see a question mark like who are you, where do you live. You can see here the question mark. ये क्वेश्चन मार्क हो गया, दैट मींस हम बोल सकते हैं ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, देन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस। सो बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर्स हाउ वी कैन चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to mention here assertive and the second one is interrogative. All right. तो यहां पर हम पांच, कोई भी पांच assertive sentence यहां पर पहले हम लिखते हैं। First one is I am Dev. It is an assertive sentence, a declarative sentence. Second one is Ram eats rice. You can see here it starts from subject and the last one is the full stop. ये आप जो देख पा रहे हो ये subject से शुरू होता है, full stop से खत्म होता है. Next one is I eat mango. Rahul lives in Kolkata. And the last one is I am playing football. Then I have already written here five sentences that are in assertive sentence, declarative sentence. First one is I am Dev. Second one is Ram eats rice. Third one is I eat mango. Next one is, fourth one is Rahul lives in Kolkata. And the last one we can see that I am playing football. All right. First one में क्या करना है? I am Dev. That means मैं हूँ देव. मैं हूं देव क्या मैं देव हूं? क्या होगा देन? एम आई देव क्वेश्चन मार्क. यहां पे आप देख पा रहे हो आई कैपिटल में हम लिखे हैं. अरे आई का बहुत पावर होता है, जहां भी अकेले बैठता है कैपिटल होता है. सेकेंड वन इज
राम इट्स राइस, यू कैन सी हियर राम इट्स राइस, देन राम इज द सब्जेक्ट, यहां पे फुल स्टॉप आप देख पा रहे हो, दैट मींस इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देन द सेकंड वन इज क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ आप नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे एम था, चलो यहाँ पे तो कुछ एम इज आर कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या होना चाहिए फिर, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राम इज द सब्जेक्ट एंड राइस इज द ऑब्जेक्ट हियर, राम इट्स राइस, देन कैसे होगा, इज एम आर कुछ आगे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल में एम यहाँ पे देख पा रहे, तो हम क्या कर देंगे इसको, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो फिर यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे तो ये भी हो गया ये भी हो गया, यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे कुछ नहीं होगा, अब देख पा रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, दैट मींस सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, दैट मींस सिंपल प्रेजेंट, देन यहां पे क्या करना होता है, ये जो इट्स आप देख पा रहे हो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डू लिखना है और ये एस को यहाँ पे भेज देना है, लेकिन ये स्पेलिंग तो सही नहीं है, उसको क्या करना है, डज, डज दैट मींस डी ओ ई एस, देन राहुल सॉरी राम, डज राम ईट राइस, हो गया आंसर, क्वेश्चन मार्क इन प्रॉपर वे, डज राम ईट राइस, सेकंड वन इज अगेन आई ईट मैंगो, आई एट मैंगो, देन ये तो यहाँ पे इट्स नहीं है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड एस और यस विद द मेन वर्ब, ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो क्या क्या करना है, यहाँ पे करना है डू आई एट मैंगो, डू आई ईट मैंगो, द नेक्स्ट वन इज राहुल लिव्स इन कोलकाता, ये तो आप कर पाओगे आई थिंक, Already I have told there is yes with the main verb because the subject is in third person singular number, that's why क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, just कर दो does Rahul, does Rahul live in Kolkata, that's all, does Rahul live in Kolkata, हो गया, यहाँ पे हम तो पांच को सेंटेंस ऑलरेडी दिया थे जिसको हम चेंज करके भी दिखा है, आप चलो आप कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब यूज करके, दैट मींस स्ट्रक्चर को यूज करके कोई सेंटेंस बताओ जिसको हम चेंज करके दिखाए आपको, यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड विद us, next time you will get more information like this, so stay tuned and thank you.